इंदौर लगातार अपराध में नंबर वन साबित हो रहा है। हाल ही में इंदौर में रहकर प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे युवक को कोचिंग क्लास के ही गार्ड द्वारा धारदार हथियार से धमकाने का मामला सामने आया है। पूरे मामले में पुलिस ने आर्म्स एक्ट सहित विभिन्न धारा में प्रकरण दर्ज कर युवक की तलाश शुरू कर दी है। दरअसल मामला भरकुआ थाना क्षेत्र के भुलाराम उस्ताद मार्ग पर स्थित सीएमसी कोचिंग क्लास से जुड़ा है। बताया जा रहा है कि सुनील नागर नामक एक छात्र द्वारा सीएमसी कोचिंग क्लास में प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे, लेकिन घटना के दिन वह अपना कोचिंग क्लास का गार्ड ले जाना भूल गया था, जिसको लेकर कोचिंग क्लास के गेट पर मौजूद योगेश नामक एक बाउंसर द्वारा छात्र से अभद्र व्यवहार करते हुए विवाद किया और अचानक से धारदार हथियार खोल लिया। यह पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और इसी आधार पर अब जांच जारी है। क्षेत्र भोलाराम उस्ताद मार्ग पे सीएमसी कोचिंग संस्थान है, वहाँ पर कुछ व्यक्तियों का आपस में झगड़े का वीडियो सामने आया था, जिसमें एक व्यक्ति जो है एक धारदार हथियार को लहराते हुए दिख रहा था और उससे डराते हुए दिख रहा था। इस पर से जब सूचना प्राप्त हुई तो इस व्यक्ति को चिन्हित करके उसको पकड़ा गया, उसके पास से एक चाकू बरामद किया गया था, जिसके ऊपर से उसके ऊपर मामला पंजीबद्ध करके वैधानिक कार्रवाई करी गई है। इंदौर से हार्दिक प्रजापत की रिपोर्ट।